क्रेडिट कार्ड से कभी पेट्रोल डीजल मत डलवाइएगा, किसी भी पेट्रोल पंप पे जाकर के आप पेट्रोल डीजल मत डलवाइएगा। ओके, मैं भी गया था पेट्रोल डलवाने, मैं काफी समय से पेट्रोल डलवा रहा था आपके सामने देखिए। ओके, लेकिन इसका डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा है, और इसका डिसएडवांटेज आपको दिखता भी नहीं है, हमें भी नहीं पता था। आज की वीडियो में पूरा प्रूफ करके दिखाऊंगा कि क्रेडिट कार्ड से आप तेल क्यों नहीं डलवाएंगे और उससे नुकसान क्या है आपको। सबसे पहली बात कि आप सभी जब भी पेट्रोल पंप पे जाते हैं, मैं भी जाता हूं, तो हम कहते हैं भैया कि 500 रुपए का तेल डाल दो, तो अगला बंदा क्या करता है कि आपका 500 रुपए का तेल डाल देता है। और जब अपना कार्ड देते हैं, वो अपने कार्ड मशीन स्वाइप करता है और उस पर आप अपना कोड डालते हैं और कार्ड से पैसा भी कट जाता है। और कार्ड से अच्छी बात क्या है, और आपका भी दिमाग में ही ख्याल आएगा, भैया मैंने 500 रुपए का तेल डलवाया और मेरे कार्ड से तो 500 रुपए ही कटा है। इसका मतलब हमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ज्ञान देते रहते हैं, मुझे भी यही लग रहा था कि भाई बहुत सारा मैंने भी वीडियो देखा कि क्रेडिट कार्ड से तेल मत डलवाइए, अलग से पैसा, एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। लेकिन जितनी बार मैंने तेल डलवाया उतनी बार मुझे रसीद जो मिली, उस रसीद पे लिखा था भैया आपने 500 रुपए का तेल डलवाया, तो उस पर 500 रुपए ही कटा था। और आपके साथ भी ऐसा होता होगा। और एक कोई मेरा HDFC का है, मैंने इसका देखा, सभी जितनी भी कंपनी के क्रेडिट कार्ड है इन सभी में ये रूल अप्लाई होता है। सो मैं आज बताऊंगा कि मैंने कैसे पाया कि कितना पैसा चार्ज कट रहा है, मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। ये रहा मेरे पास बिल और ये रहा मेरा क्रेडिट कार्ड। मैं क्रेडिट कार्ड से तेल डलवाने गया और वहां पे मैंने 500 का तेल डलवाया और पैसा मेरा कार्ड से 500 का ही कटा। और मेरे पास जो बिल आई उस पर लिखा था कि आपने 500 रुपए का तेल डलवाया है। खुशी खुशी हम चले आए। ओके, अब आपको अंदर की बात बताते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी का अगर आप कार्ड यूज कर रहे हैं तो उस पे आपको तेल डलवाने पे एक अलग से चार्ज पे करना पड़ता है, उसको कहते हैं वेवा चार्जेस। ओके, तो जब भी आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और क्रेडिट कार्ड से अपना तेल भरवा रहे हैं, तो वहां पे आपको डायरेक्टली कोई भी पैसा नहीं पे करना पड़ता। लेकिन जब आप अपने किसी भी क्रेडिट कार्ड के जो भी आपका एप्लीकेशन में जाएंगे, तो वहां एक अनबिल्ड नाम का ट्रांजेक्शन होता है। मतलब जो भी मेरा IDFC, मेरे HDFC में अनबिल्ड है, जितने भी क्रेडिट कार्ड है उन सब में अनबिल्ड ट्रांजेक्शन होता है। जब आप वहां से आएंगे, तो जब मैं वहां गया, मैंने वहां देखा कि 1,000 रुपए 10 रुपए, 2,000 रुपए 20 रुपए, कुछ इस तरह से हमें यहाँ चार्जेस लग रहा है। कार्ड से पैसा हमारे नहीं कटता है, उस समय उतना ही पैसा कटेगा जितना हम कटवाएंगे, लेकिन बाद में तेल भरवाने के बाद जो उसका सरचार्ज है, जो उसका वेवर चार्ज है, वो बाद में ऑटोमेटिक हमारे कार्ड से कट जाता है। ओके, तो इस तरह से हमारे पास जितने भी किसी भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड क्यों ना हो, अगर उससे हम तेल डलवा रहे हैं तो उसका वेवर चार्ज हमें सरचार्ज में बाद में पे करना पड़ेगा, जो हमें बिना बताए कट जाता है। और ये हमें अनबिल्ड ट्रांजेक्शन में दिखता है। और 1,000 रुपये मेरे में 10 कट रहा है और 2,000 रुपये 20 रुपये कट रहा है। आपके पास कितना कट रहा होगा मुझे बताइएगा। ओके, तो इस तरह से आपका जो भी क्रेडिट कार्ड है उसके अनबिल्ड ट्रांजेक्शन में जाकर के आप अपने फ्यूल भरवाने का जितना भी चार्जेस लग रहा है आप उसको चेक कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ एक और फायदा है। अगर आप तेल डलवा रहे हैं क्रेडिट कार्ड से, तो देखिए आपने मान लीजिए एक गाड़ी है आपकी, उसमें 5,000 रुपये का तेल आता है और आपने क्रेडिट कार्ड से 5,000 रुपये का तेल डलवा दिया। ओके, 40-50 रुपये जो भी आपका सरचार्ज लगना होगा लग गया, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड के बिल को 45 दिन बाद ही पे करना है। तो उन 45 दिनों में अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो उन 5,000 रुपये से आप एटलीस्ट 500 रुपये तक कमा ही लेंगे। ओके, तो उस पे लगने वाला वेवर चार्ज बहुत ज्यादा नहीं हुआ। तो इस तरह से हम सभी क्या करेंगे कि अगर हम तेल डलवा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से डलवा दे रहे हैं और तुरंत अपने जेब से पैसा ना दे करके कार्ड से पैसा पे कर दे रहे हैं, और अपने पास जो जेब में पैसा है, जो फोन में पैसा है, उसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं और उससे हम अर्न कर रहे हैं और क्रेडिट कार्ड का बिल 45 दिन बाद भर रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तब तो यहाँ हमें प्रॉफिट में ही प्रॉफिट है, क्योंकि आप भी ये कह सकते हो कि भाई हम तो यही काम करते हैं। ओके, लेकिन नहीं, अगर हम डायरेक्टली एक लॉस देखें, तो वो लॉस हमने आपको समझा दिया, और सेकंड जो प्रॉफिट थी क्रेडिट कार्ड्स मैंने आपको भी बता दिया। ओके, तो इस तरह से हम सभी किसी भी कंपनी का अनबिल्ड ट्रांजेक्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं कि किस क्रेडिट कार्ड पे कितना पैसा हमें चार्ज किया जा रहा है।